आज हमारा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। अगर आप क्वार्टरली जीडीपी को देखें ना, तो पिछले दिनों में जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकेंड क्वार्टर में हमारी जीडीपी ने 7.6% की ग्रोथ दर्ज की है और अच्छे अच्छे इकोनॉमीज भी इस ग्रोथ को देखकर हैरान है दुनिया भर में। और जब बात आती है ना हमारी ग्रोथ की, तो तीन चार बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान इतनी कमाल की ग्रोथ कर पा रहा है। देखिए, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीसरा है फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो एक स्टेट ऐसी है जिसका कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन सब चीजों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फॉरेन ट्रेड हो। स्टेट का नाम है गुजरात। इंडिया की जीडीपी में गुजरात 8% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18% का कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट्स में 30% का कंट्रीब्यूशन है और देश की तीसरी सबसे अमीर थर्ड रिचेस्ट स्टेट है आज। और गुजरात की लोकेशन भी ना बड़ी स्ट्रेटेजिक सी है। गुजरात में एयर और वाटर इन दोनों के रूट से गुजरात के काफी सारे बड़े बड़े शहर जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है। और इसके अलावा शायद आप लोग हैरान होंगे ये बात जानकर कि गुजरात ना सिर्फ जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि गुजरात के पोर्ट से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट का करीब 40% शिप किया जाता है। इंडिया का 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? गुजरात से हो रहा है। और अब आप सोच रहे हैं ये सारी बातें मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हाल ही में अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग में था और वहाँ जो मैंने कमाल की डेवलपमेंट देखी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। देखिए, इंडिया में जो बड़े शहर है ना वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो है पॉल्यूशन। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हर साल करीब 2 मिलियन से ज्यादा डेथ हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, और ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है कि पोल्यूशन को एलिमिनेट कैसे किया जाए। क्योंकि डेवलपमेंट की जिस पेस पे हम चल रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस स्पीड से हो रहा है, उस समय में पोल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी टफ है। तो गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने के लिए एक मिशन निकाला है, स्मार्ट सिटी मिशन। और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इस मिशन के माध्यम से गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? रूरल एरिया से लोग अर्बन सिटीज में मूव करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, सोसाइटी के चेंजेस, नए ट्रेंड्स को वो आसानी से अडेप्ट कर सकें, एजुकेशन और बढ़िया हो सके, फैसिलिटीज और अच्छी हो सकें, और इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी सबको मिल सकें। लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता जो इतने सारे लोगों को संभाल सके। फिर गाड़ियाँ बढ़ने लगती हैं, ट्रैफिक कंजेशन होने लगती है, रोड नेटवर्क उतना तैयार नहीं है कि इतने सारे लोगों को संभाल सके, एनवायरमेंट पे अलग अलग तरह के इम्पैक्ट आने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी मिशन अगर कामयाब होता है ना, तो ये सारे चैलेंजेस को गवर्नमेंट आसानी से टैकल कर सकती है और इंडिया में अर्बनाइजेशन की स्पीड को, रफ्तार को बरकरार रख सकती है। जब जब स्मार्ट सिटीज का नाम आता है ना, तो एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा जरूर होती है, जिसे बोलते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी। अब ये ढोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है? ढोलेरा स्मार्ट सिटी है इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जिसे आपने न्यूज में, इंटरनेट पे बहुत बार देखा होगा। ढोलेरा SIR क्या है? ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये 920 स्क्वायर किलोमीटर की एक बड़ी कमाल की प्लांट डेवलपमेंट है जो सिंगापुर और शंघाई जैसे शहरों से भी बेटर स्केल पे और बेटर प्लान्ड वे में डेवलप किया जा रहा है। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन है जहाँ पे लाइफ के तीनों पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, लिव, वर्क एंड प्ले। और इसको तीनों को ध्यान में रखकर ये कमाल की डेवलपमेंट की जा रही है। और जो ढोलेरा SIR है उसका एक मेन फोकस ये भी है कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को भी खास तरह से जगह दी जाए ताकि एक कमाल की सस्टेन डेवलपमेंट होती रहे। यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो 5000 मेगावाट का है वो यहाँ पर लगाने के लिए काम चालू हो गया। अब मैं आपको जल्दी से सिटी के कुछ हैरान कर देने वाले पहलू बताता हूँ। पहली खास चीज क्या है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ढोलेरा इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे सारी डेवलपमेंट अंडरग्राउंड की जा रही है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम है ना वो अंडरग्राउंड हो रहा है ताकि कहीं पे बाद में इश्यू आए तो खुदाई, लोग लगे हैं, ट्रैफिक जैम होना, ये सब सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, बंगलोज भी हैं और एक कमाल का एलिगेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। दूसरी खास चीज इस सिटी में है ईज ऑफ गवर्नेंस। ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम है जिससे G2B स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। G2B है गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शंस। अब आपको अप्रूवल लेने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पे नहीं जाना है, एक सिंगल विंडो है जहां से आपको सारे बिजनेस के क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। तीसरी खास चीज है प्लग एंड प्ले। इंडस्ट्रीज के लिए सब कुछ रेडी है, आपको आना है और बस काम शुरू कर देना है। फुली ICT इनेबल्ड कंप्लीटली बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑफर किया जा रहा है। चौथा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।
यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखा गया है, एजुकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और हर चीज को इंटीग्रेट करते हुए कमाल की डेवलपमेंट की जा रही है। हॉकर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, पेट्रोल पंप्स के लिए, ईवी स्टेशन के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। पांचवी खास चीज यहाँ आपको मिलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस को मैनेज करना यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, आपको परमिट चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ, फिर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो आपको एक खिड़की से दूसरी खिड़की पे भेजते रहेंगे। लेकिन ढोलेरा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिर से बिजनेस करने के लिए भी आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स, परमिट्स आपको एक ही जगह पे उपलब्ध होंगे, जो आपकी काम करने की हैसल्स को, बिजनेस करने की हैसल्स को बहुत कम कर देंगे। छठा कमाल का फीचर है एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। यहाँ पर एयर से, रेल से, वाटर से, रोड से कमाल की कनेक्टिविटी है, और खासतौर पे एक्सपोर्ट्स वालों के लिए तो बड़ा कमाल का फायदा है। फिर अहमदाबाद के साथ एक 6 लेन का एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो सीधा अहमदाबाद से इसे कनेक्ट करता है, और आपका ट्रैवल टाइम वहां से आधा रह जाएगा। 3700 एकड़ में ढोलेरा मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जहां पे 2 डेडिकेटेड रनवेज होंगे, और गवर्नमेंट के हिसाब से 2025 में उस एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। सातवीं खास चीज है टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज पूरे ढोलेरा सिटी में किया गया है। 10,000 स्मार्ट सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, कहीं आग लगती है, एक्सीडेंट होता है, या कहीं कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहां मदद की जरूरत है, ये सेंसर्स कंसर्न डिपार्टमेंट को अलर्ट करेंगे और तुरंत मदद सामने वाले तक पहुंचाई जा सकती है। लिव वर्क प्ले, और बड़ी कमाल की बात क्या है कि गवर्नमेंट ने जिंदगी के इन तीनों पहलू का ध्यान बहुत खास रखा है ढोलेरा स्मार्ट सिटी में। बहुत बड़े बड़े पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज के पास, ताकि कोई भी वॉकिंग डिस्टेंस में जाकर अच्छे पार्क्स को एक्सेस कर सके। ईडब्ल्यूएस हाउसेस के लिए स्पेशल जोन है, डेडिकेटेड साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स जोन बनाए जा रहे हैं, जो पूरी सिटी के अंदर फैले होंगे और पूरी सिटी को कनेक्ट करेंगे। नौवीं चीज क्या है, एक और जगह है जिसका नाम है लोथल। लोथल क्या है, लोथल को बनाया जा रहा है कमाल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट दूर है ढोलेरा सिटी से, और यहाँ पर 4500 करोड़ के खर्चे से एक वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस बनाया जा रहा है, मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है 25,000 टूरिस्ट इस लोथल लोकेशन पे रेगुलरली विजिट करेंगे। और दसवां और आखिरी है सस्टेनेबिलिटी। ये एक ऐसा फीचर है जो ढोलेरा स्मार्ट सिटी को बाकी सब बड़े सिटी से अलग करता है। यहाँ क्या अरेंजमेंट किया गया है, 100% पानी जो वेस्ट हो रहा है ना, उसको रिसाइकल करके फिर से यूज कर लिया जाएगा। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का भी एक सिस्टम बना दिया गया है, जितना भी सॉलिड वेस्ट होगा, कूड़ा कचरा, उसको भी रिसाइकल करके बायोडिग्रेडेबल एनर्जी की फॉर्म में यूज किया जाएगा। पावर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, गवर्नमेंट की तरफ से 24/7 पावर सप्लाई है। सोलर पावर के लिए बहुत खास तैयारियां की गई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स का समय आने वाला है, तो हर एक किलोमीटर पर ईवी स्टेशन डाला जाएगा, इस बात की भी तैयारी की जा रही है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, या फिर बेस्ट डील्स पाना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर स्मार्ट होम्स से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साल 2015 से स्मार्ट होम्स की पूरी टीम का फोकस है ढोलेरा SIR, उसके साथ जुड़ा हुआ एक्सप्रेस हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये पूरा सराउंडिंग एरिया, और अपनी एक्सपीरियंस से ये आपकी कमाल की मदद कर पाएंगे। कमाल की हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड टीम है। और अगर आप और जानकारी के लिए इंटरेस्टेड हों या इन्वेस्ट करना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी दिए गए हैं, उन नंबर्स पर आप स्मार्ट होम्स की टीम को कॉल करके भी और जानकारी पा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ब्रेन है इस स्मार्ट होम्स के पीछे, वो हैं रुपिंदर सिंह, विजय कुमार वाली एंड मीनाक्षी खुराना। तो ये कंप्लीट जानकारी थी ढोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। आज से कुछ साल पहले तक ना, जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते थे, सिंगापुर जाते थे, हांगकांग जाते थे, तो हमें लगता था ये एक कमाल की जगह आ गए हम। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार अब काम कर रही है, बहुत जल्द लोग हमारे पास आया करेंगे, इंडिया आया करेंगे, और हमारे इन स्मार्ट सिटीज को देखकर बोला करेंगे यार कि अगर कोई अच्छी जगह है दुनिया में तो वो इंडिया है। सो वी हैव वन ड्रीम, हम आपको चमकते हुए देखना चाहते हैं। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।